ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखना होगा ये तिकड़ी क्या कमाल बीजेपी के लिए कर पाती है और बीजेपी का आखिर क्या मकसद इन खिलाड़ियों को अपनी पार्टी में शामिल करने का है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये उस वक्त की तस्वीर है, सबसे पहली जो योगेश्वर दत्त को सुभाष बराला की तरफ से पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, तो वहीं संदीप सिंह जो कि हॉकी कप्तान हैं उन्हें भी पार्टी की तरफ से सदस्यता दिलाई गई है, तो बबीता फोगाट तो पहले से ही पार्टी में है। तो ऐसे में ये तिकड़ी क्या कमाल बीजेपी के लिए कर पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं टिकट को लेकर सभी की निगाहें टिकी, क्योंकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से टिकट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी की ये तिकड़ी पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर ये तिकड़ी कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग्स भी काफी जो है जबरदस्त है। तो उस लिहाज से क्या स्टार प्रचारक के तौर पर इनको पार्टी में शामिल किया गया है, या फिर एक जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर ये तिकड़ी कमाल कर पाएगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पार्टी में शामिल करने के बाद क्या इनको कोई टिकट दिया जा सकता है, ये तो पार्टी को ही फैसला करना है, लेकिन सभी की निगाहें इस तिकड़ी पर भी टिकी हुई है कि बीजेपी की तरफ से इन तीनों खिलाड़ियों को जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल किया गया है, क्योंकि इस तरह के कयास जो पहले भी लग रहे थे। और सबसे जो खास बात यहां पर ये है, अगर बबीता फोगाट की बात करें, योगेश्वर दत्त की बात करें, एक अच्छे पद पर वो पुलिस प्रशासन में थे, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़ते हुए बीजेपी का झंडा उठाया है, तो उस लिहाज से भी काफी मायने उनका पार्टी का झंडा उठाना और पार्टी में जाना रखता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर इनको टिकट दी जाती है तो कहां से टिकट दी जाएगी। और इसी बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ रमेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, विधानसभा चुनाव है और तमाम राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर मारामारी है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, खिलाड़ियों की जो तिकड़ी जिस तरह से शामिल हुई है विधानसभा चुनाव से पहले, कितना कमाल कर पाएगी, क्या मकसद बीजेपी का? देखिए, सेलिब्रिटी के रूप में जो है इन खिलाड़ियों को लिया जा रहा है, कि वो खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो उनका वोट बैंक भी ज्यादा होगा। और ये बीजेपी मानती है कि जैसे पंजाब के चुनाव में उन्होंने सनी देओल को उतारा था तो उनका एक अलग वर्चस्व मिला, इसी तर्क पर जो है वो उनको उतारने जा रही है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं खिलाड़ियों को केवल इसलिए नहीं शामिल किया गया कि कोई उन्होंने अपना स्पोर्ट्स टैन मजबूत करना है, बल्कि खिलाड़ियों को इसलिए शामिल किया गया ताकि उनको चुनाव लड़ाया जा सके और जो 75+ का मिशन है उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए माना जा रहा है कि जितने खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है उनको सरकार टिकट दे करके, कहीं ना कहीं सॉरी बीजेपी टिकट दे करके चुनावी लड़ने उतारने वाली है। बिल्कुल रमेश, हालांकि अभी तक ये साफ पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि दीपा कर्माकर की बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले उनको भी इसी तरह से पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि न सिर्फ इनको पार्टी में शामिल किया गया है बल्कि टिकट भी जो है इन तीनों खिलाड़ियों को दिया जाएगा, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पार्टी के अंदर, क्या उस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगी तिकड़ी, क्या उतना कमाल कर पाएगी, बीजेपी को कितना फायदा होगा इस तिकड़ी का? देखिए, बबीता फोगाट कोई पार्टी की सदस्यता इसलिए नहीं ग्रहण करने आई कि वो पार्टी को जो है वो लोगों को जोड़ेंगी, और योगेश्वर दत्त कोई पार्टी में सदस्य बनने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और जो तमाम जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो दरअसल पार्टी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी का प्रोटोकॉल है कि आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते कि आपकी ये शर्त तय हुई हो कि आप चुनाव लड़ेंगे तभी आप शामिल होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर आंतरिक इच्छा है। और पीछे अभी बिल्कुल ये तो बीजेपी रमेश पहले ही साफ कर चुकी थी कि पार्टी की अगर किसी को सदस्यता दिलाई जाती है तो टिकट की कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि टिकट यहां पर दी जा सकती है, टिकट पर कहीं ना कहीं उनको उतारा जाएगा मैदान में, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि एक चीज ये भी निकल कर सामने आ रही है कि विपक्ष की गढ़ को तोड़ना चाहती बीजेपी और इसलिए इस तिकड़ी को शामिल किया गया पार्टी में। देखिए, बिल्कुल विपक्ष का गढ़ और खासकर जाट वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तोड़ना बड़ा कठिन था, इसीलिए उनको बबीता फोगाट जैसों को लेना पड़ा। और बबीता फोगाट के जो पिता है महावीर फोगाट, वो जेजेपी में थे, वो पार्टी छोड़कर के इसीलिए बीजेपी में आए ताकि वो जो चुनाव लड़ सके, और उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए उनकी बेटी बबीता फोगाट चुनाव लड़ना चाहती है। और R9 TV के साथ पहले भी बातचीत में उन्होंने कहा था कि पार्टी उनको टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगी, और ये उनकी आंतरिक इच्छा भी है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी सबकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं अगर गौतम गंभीर को टिकट दी गई वो चुनाव जीत सकते हैं,
तो क्या संदीप सिंह चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव वो भी जीत सकते, तो इस प्रकार की इच्छा है खिलाड़ियों की और बीजेपी को भी लगता है कि खिलाड़ियों के सहारे 75+ का मिशन तय करना आसान है। हाँ बिल्कुल रमेश, ये तिकड़ी की सब पर निगाहें हैं क्योंकि जिस तरह से एक फैन फॉलोइंग्स भी काफी लंबी है, लेकिन अगर टिकट यहाँ पर दिया जाता है, इन तिकड़ियों की बात करें, तीनों खिलाड़ियों की बात करें, तो अगर टिकट पर यहाँ पर दिया जाता है तो कहाँ से इनको टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश में है बीजेपी। देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी विधायक हैं वहां पर तो भले ही शायद इनको ना दिया जाए, और जहां पर कुछ जगह जो है जहां पार्टी टिकटों के बारे में फेरबदल की विचार कर रही है वहां पर को दे सकती है, कुछ नए गढ़ों में जो है इनको उतार सकती है। देखिए आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि खासकर रोहतक बेल्ट और जो उधर की जो बेल्ट है जहां पर इनका अच्छा वर्चस्व है वहां पर इनको उतारा जाए कहीं ना कहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह की हमेशा से नजर रोहतक और आसपास में रही है कि किसी भी तरह हो ये गढ़ जीत रहा है, क्योंकि ये गढ़ अब तक कांग्रेस के पास था। उधर सिरसा हिसार की बात करें तो उधर भी वो सेंध लगाना चाहती है, तो ओवरऑल उनकी नजर में ये है कि जो नए प्रत्याशी हैं, जो नए लोग आए हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे मैदान से उतारा जाए जहां से बीजेपी को थोड़ा कठिन लगता हो और जो फैन फॉलोइंग है इनकी वजह से उनसे चीजों आराम से जीता जा सके। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को जो पहली सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के डिस्कशन के बाद, तो ये स्पष्ट हो जाएगा किसको कहां से किस रण में उतारा जा रहा है।